हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको डफ लूप्स पैटर्न देने वाले हैं बने बनाए हुए, जिसको आप किसी भी गानों में यूज करोगे आपका गाना और भी अच्छा रहेगा। कोई भी गाना हो सब में डफ का यूज किया जाता है, चाहे भजन हो या कोई भी सेट सॉन्ग हो या फिर किसी भी तरह का गाना हो, उसमें आपका डफ लूप्स यूज किया जाता है। तो हमारे पास कुछ डफ लूप्स हैं और इसको आप अपने बीट के हिसाब से, अपने बीपीएम के हिसाब से कैसे इसको सेट कर सकते हो, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे ही पैक्स बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कोई भी फ्री आपको मिलने वाला नहीं है। तो चलिए हम आपको सुना करके दिखाते हैं इसको, कि कैसे आप इसको अपने एफएल स्टूडियो के अंदर या फिर किसी भी डास हार्डवेयर के अंदर आप यूज कर सकते हो। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हार्ड डब लूप्स पहला है, तो हमारे पास कुछ लूप्स हैं। अब चलिए हम इसी को उठाते हैं और एफएल में डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया और डालने के बाद में अब इसका हमें सबसे पहले टेम्पो सेट करना है, यानी कि इसको आप अपने हिसाब से बीट के हिसाब में आप इसको रिदम में यूज कर सकते हो। तो ये 21 BPM में कोई नहीं पता, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप 130 में भी सेट कर सकते हो, 100 में टेम्पो में सेट कर सकते हो, 150 में भी सेट कर सकते हो। कैसे सेट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम किसी भी टेम्पो में बनाएंगे, जैसे कि हम अगर इसको 100 पे, 110 पे, किसी भी ला लें, जैसे कि हमें 120 पे ला दें। 120 यहाँ पे क्लिक किया, अभी 120 पे नहीं बजेगा, ये 120 पे नहीं बजेगा क्योंकि ये बार के अंदर सेट नहीं है। सबसे पहले इसको सेट करना है, मैच कराना है इसको बीट पे, तो डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम 1 बार सेट करेंगे, 1 बार सेट कर दोगे तो ये 120 पे बजेगा। एक सौ बीस पे बजने लगा। अगर हम यहां से इसको 100 कर देंगे तो ये 100 पे बजेगा। उसके बाद में अगर इसको 80 पे सेट करोगे तो 80 पे बजेगा। यानी कि किसी भी लूप्स को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास यही हुआ, इसको उठा लेंगे, यहां पे डाल देंगे और उसके बाद में इसको हम यहां पे डबल क्लिक करेंगे और सबसे पहले इसको हम सेट करेंगे 2 बीट पे, क्योंकि ये 2 बीट का ही लूप्स है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब इसको बजा सकते हो। अगर हम यहां से इसको 100 पे कर दें, 110 पे कर दें, तो 110 पे बजेगा। तो आप इस तरह से किसी भी लूप्स को अपने हिसाब से बीपीएम में सेट कर सकते हो और आप इससे एक नया रिदम क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ही आपको बहुत सारे लूप्स हम देने वाले हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को इनेबल जरूर कर दीजिए।